मैं बादाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ ये देखो रास्ता टूटा हुआ है और ट्रैफिक पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं। कैसे आइडिया आया, क्यों मिट्टी भर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन इसको महीना से ऊपर हो गया टाइम, अभी कोई दूसरा काम है नहीं, काम ना होता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची में तूफ़ानी बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तबाहकुन है, और चूँकि मानसून बारिशों का ये स्पेल अभी जारी है, तूफ़ानी बारिशें अभी होनी हैं, लेकिन कराची शहर जो कि दुनिया का पाँचवा बड़ा शहर है, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की माशी शारग है, और सूबे को 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन बारिशों के बाद की जब सूरत हाल हम देखते हैं तो कराची इस वक्त धर्म भरम हो चुका है। कराची किसी गांव गोट का मंजर पेश कर रहा है। अगर आप कराची आपने अगर विज़िट नहीं किया कभी, और अगर कराची पुराने कराची की तस्वीरें आपको दिखाई जाएं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कराची है या कोई किसी कच्चे गांव घोट का मंजर पेश करता हुआ ये शहर है। और ये वो शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सूरत हाल बहुत ही तबाहकुन है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ना तो कोई मास्टर प्लान है, ना कराची जिस तरह तेज़ी से डिवेलप हुआ, और जो चीज़ें मेंटेन करनी थी वो चीज़ें भी उस तरह मेंटेन नहीं हो सकी, और उसकी वजह ये बनी कि आज जब ये बारिशें आईं और बारिशों ने तबाही मचा दी। इस वक्त कराची की जो सड़कें हैं ख़ासतौर पे टूट फूट का शिकार हैं, और तकरीबन कोई 140 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक जाम वहाँ पे मामूल बन गया है, और जो मुतलका इदारे हैं वो इस पे काम करते हुए नज़र नहीं आते, और कराची के शहरी जो मिनटों में सफ़र तय करते थे वो घंटों में सफ़र तय हो रहा है, और चाहे ऑफिस टाइम की बात हो, लोग स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। और ये भी पहली बार हुआ है कि इस वक्त चूँकि बारिशों की वजह से सरकारी सतह पे छुट्टी भी दी गई है, चूँकि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, इसकी वजह क्या बन रही है? और आज हम चूँकि कराची के इश्यूज़ तो बहुत हैं, हमेशा हम कराची के इश्यूज़ पे बात भी करते हैं, कराची का मुकदमा हम पेश करते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिक ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, और ट्रैफिक में भी चूँकि ट्रैफिक पुलिस हम देखते हैं कि वो बारिशों में चाहे बारिश हो सैलाबी सूरत हाल हो वो हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हमेशा ट्रैफिक पुलिस के ऊपर तनकीद होती है जो मामूल के दिनों में, और ट्रैफिक जाम कराची का खासा है और ये एक मामूल बन चुका है। इस वक्त हम अगर स्पेसिफिक बात करें तो वो कराची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो अहलकार हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन ड्यूटियों के साथ साथ कुछ अच्छे काम भी वो कर रहे हैं, और वो अच्छे काम ये हैं कि अपनी मदद आपके तहत वो जहाँ जहाँ से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर उबल रहे हैं, वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वहाँ पे मिट्टी डालकर वहाँ चीज़ें जो हैं वो पत्थर बजरी डालकर उसको बैलेंस किया जाए, ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो स्मूथ हो सके, वो रवा दवा रह सके। और चूँकि हम ऑफिसिस के जो औकातकार हैं उसके दौरान हम देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। शाहरा फैसल मरकजी शाहरा है, सबसे बड़ी शाहरा है, वो हमें जाम नज़र आती है। FTC के मकाम की जब हम बात करते हैं वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा दोनों तरफ है, जब आप अगर आप एयरपोर्ट से की तरफ से जा रहे हैं और जो गोरा कब्रिस्तान वाला रूट है, जब डिफेंस की तरफ आप टर्न करते हैं तो वहाँ पे आपको सड़कें टूट फूट का शिकार मिलेंगी, ट्रैफिक जाम रहता है। इसी तरह जब आप वापस शाहरा फैसल की तरफ आ रहे थे यू टर्न लेके, और FTC का जो फ्लाईओवर है यू टर्न है उसके नीचे भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी घंटों आपको वेट करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे जाएँ जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर भी मामूल बना हुआ है। ये वो एरियाज़ हैं जो मेन शाहरा फैसल को टच कर रहे हैं, और मेन शाहरा फैसल है उसके ऊपर ये मामूल है। इसके अलावा पूरे शहर में औरंगी की बात करें, कोरंगी की बात, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, वहाँ पे आप
आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, चूँकि बहुत ज़्यादा सड़कें टूटी हुई हैं। इन तमाम हालात के बावजूद जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें खामोश दिखाई दे रहे हैं। 14 साल से मुसलसल सूबाई हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में, और वो भी हमें उस तरह इकदाम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अहलकार अपनी मदद आप पत्थर डाल रहे हैं, उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ चूँकि पूरी यहाँ पर मोटरसाइकिल्स और जो कार्स हैं वो इन खड्डों के अंदर चली जाती हैं, जानी और माली नुकसान दोनों होता है। ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं वो उनका ये अमल काबिले सताइश है। कुछ जो पुलिस अहलकार हैं वो अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर की जो ट्रैफिक है वो रवा दवा रहे। आज हमारा मौजू चुनने का मकसद ये था कि जहाँ हम तनकीद कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो ट्रैफिक की रवा दवा करने के लिए जो शहरीों की मदद कर रहे हैं, शहरीों को भी सपोर्ट करना होगा अपने पुलिस अहलकारों को, ट्रैफिक पुलिस को, ताकि ये उनके साथ तावन करें और शहर की जो ट्रैफिक है वो बहाल हो सके। लेकिन चूंकि तबाही इस पैमाने पे है कि वो छोटे मोटे काम करने से चीज़ें उस तरह बेहतर नहीं हो सकती जिस तरह होनी चाहिए थी। इस पे हम बात भी करेंगे, अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे ट्रैफिक पुलिस कराची के DIG जनाब अहमद नवाज सीमा साहब भी, और हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या इकदाम कर रहे हैं। मुतलका महकमों को अब उन्होंने अलर्ट किया, उनसे कोई इनका कोऑर्डिनेशन हो रही है और किस तरह वो इस पूरे अमल को आगे लेके चल रहे हैं। चूँकि जो रिसेंटली रिसेंट पास की जब हम बात करते हैं, कल ही में एक शारा से गुजर रहा था हमारे ऑफिस के चारों तरफ चूँकि टूट फूट का शिकार है, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। भादराबाद ट्रैफिक सेक्शन जो है वो अपना काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और सिर्फ भादराबाद नहीं, जहाँ जहाँ पॉसिबल है ज़ाहिर है वो अपना काम कर रहे हैं। जो टूट फूट का शिकार हैं सड़कें उनको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे कि कराची का जो ट्रैफिक प्लान है वो क्या है, कराची की ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए। आम दिनों में भी ट्रैफिक चूँकि एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और ये ज़हनी अजियत का शिकार भी हो रहे हैं शहरी, और बड़ा एक टाइम वेस्टिंग भी हो रहा है। इस तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया जनाब अहमद नवाज चीमा साहब ने, DIG ट्रैफिक पुलिस कराची। बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेडिकेटेड है ट्रैफिक पुलिस के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि ये पूरे अमल में हमने देखा कि आपके जो पुलिस अहलकार हैं वो ड्यूटी पे मौजूद हैं, ना सिर्फ ड्यूटी पे मौजूद हैं, अच्छी चीज़ ये है कि कल मैंने ये खुद भी ऑब्जर्व किया कि ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं वो अपनी मदद आप सड़कों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खड्ढे भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो सके। गो के ये शहर ज़्यादा इतना फैल चुका है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, गाड़ियाँ रोड सड़कों पर ज़्यादा हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, इस वाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का। जैसा कि आपके इल्म है कि इस दफा जो कराची में मॉनसून है वो पिछले 2 माह से जारी है, और ये 5वां स्पेल जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से ये चल रहा है, और इसमें कराची की जो सड़कें हैं उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, काफ़ी टूट फूट का शिकार है, और जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज का निज़ाम के भी मसाइल हैं, फिर कैपेसिटी जो हमारे सिस्टम की है सीवरेज सिस्टम की वो इतनी डिज़ाइंड इस लेवल की बारिशों के लिए डिज़ाइंड नहीं थी, और उस वजह से पानी कई दिन जब खड़ा रहता है सड़कों पे तो वो सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको उससे काफ़ी मुश्किल पेश आती हैं, और उन मुश्किल में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ हल कर सकें, कुछ आसानियां पैदा कर सकें ताकि लोग वक्त से अपने घरों को जा सकें, अपने दफातर जा सकें, अपने कारोबार के लिए पहुंच सकें, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जहां कहीं हम अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल सकें, सीवरेज की जो ब्लॉकेट्स हैं उनको ख़त्म कर सकें, जहाँ कहीं सड़कों की आर्जी मुरम्मत है वो हम अपने ज़राए से अगर कर सकें तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा अल्टीमेट जो कस्टमर है वो पब्लिक है, और हमने पब्लिक को सर्व करना है, और जितनी हमारी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे भी बढ़ के जो है
वो जो हमारे मुलाजमीन हैं फील्ड जी के अंदर, वो इस चीज़ को नहीं सोचते कि ये उनका काम नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, आवाम के लिए सहूलत मुहैया करनी है, और उनके लिए हम ये इकदाम करते हैं कि जिससे कि वो उनका सफर जो है वो सहल हो सके। सहल हो सके। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप और बहुत अच्छा अमल भी है। एक चीज़ और, फिर हम थोड़ा सा इसकी डेप्थ में भी जाएंगे। क्या स्पेशली कोई ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं उनके लिए इस तरह के हंगामी हालात में कोई बजट भी पास किया जाता है, या वो अपनी मदद आप के यहाँ से रेत बजरी मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और इस पे इसके ऊपर जो है वो कोशिश करें कि ट्रैफिक कंट्रोल की जा सके। दूसरा, हुकूमत किस हद तक तावन करती है यहाँ KMC DMCs के जो काम है, क्योंकि वो भी आपके लोगों को ही करने पड़ रहे हैं और मकसद कोई तनकीद करना नहीं है। अब आपका जो इदारा है इसके ऊपर हमेशा आम दिनों में भी मीडिया तनकीद करता है, हम भी बहुत बातें करते हैं, ट्रैफिक कराची का जाम रहता है, तनकीद आपके ऊपर होती है, लेकिन इन सब के बावजूद तेज़ बारिश में जहां हम सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, आपके जो नौजवान हैं जवान हैं वो अपनी ड्यूटी भी दे रहे होते हैं और साथ साथ चीज़ें भी मैनेज कर रहे होते हैं, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कल जब मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की पर्सनली, तो मैंने और बड़ा ज़बरदस्त इसका फीडबैक भी आया हमारे पास सोशल मीडिया पे भी और खुद मीडिया से भी। अब इस तरह के अमल को आपकी तरफ से किस नज़र से देखा जाता है, इस तरह के जो एहलकार हैं? कल की अगर मैं बात करूं, भाद्राबाद सेक्शन है आपका, ये यहाँ पे फारूक साहब जो ASI हैं, मुबशर अली साहब हैं, उनकी टीम, वकास वली और सैफुल्ला, ये वो लोग थे जो यहाँ काम कर रहे थे। इस तरह के लोगों को, जवानों को आप अप्रिशिएट करते हैं ताकि एक मोटिवेशन मिले इनको और इस तरह के हंगामी हालात से ये निपटने की का जो जज्बा है वो पैदा हो। जी, इस तरह से है कि देखें, जो बाकी इदारे हैं, DMC है, KMC है, उन्होंने तो मुस्तकिल बुनियादों पे उन मसाइल को हल करना है। हम जो काम कर रहे हैं, हम उनका नेमत बदल किसी सूरत में नहीं हो जी सकते, बिल्कुल और ये सिर्फ ये आर्जी इंतजाम हैं जो कि हम अपने वसाइल के तहत और पब्लिक के गुडविल के तहत जो है वो करने के काबिल हो रहे हैं। जहां आपने बजट की बात की, तो इसके लिए कोई स्पेशली बजट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका कोई स्पेशल बजट भी नहीं है। ये वो गुडविल है कि जब हम खुद खिदमत के लिए निकलते हैं तो बाकी जो हजरात हैं, अवाम है, जी आप अपनी जो पिकअप है वो हमें दें, हम फलां जगह से को मलबा उठा के तो यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि अवाम को सहूलत मिले। तो ठीक लोग भी, कराची की अवाम इतनी अच्छी है और कराची के अवाम के अंदर ये जो सेल्फ हेल्प वाला जज्बा है, ये मैं समझता हूँ दूसरे शहरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। यहाँ आपने देखा कई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जाते हैं, वेलफेयर के प्रोजेक्ट कम्युनिटी खुद करती है। ठीक इसी वजह से हमें ये सहूलत मिली कि हमें आवाम से इतना तआवुन मिला कि जी आवाम की मदद से ही हम ये जो छोटे 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 से इकदामात हैं ये कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात है सर। जहां आपने जी 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 प्लीज जी जी कंटिन्यू करें। जहां आपने जी जहां आपने चंद मुलाजमीन का नाम लिया, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो बारिशों का सीजन है, इसमें हमने तकरीबन 4,000 से ज्यादा जो है वो रोड यूजर्स की हेल्प की है, और ठीक उसमें शामिल है कि हम उनकी गाड़ी अगर खराब हुई तो उसको गाड़ी को ठीक किया, अगर किसी का पेट जी, तो जो है वो किसी की गाड़ी को कहीं वर्कशॉप तक ले जाना हुआ तो वो हम लेके गए, किसी का टायर चेंज करना हुआ तो वो किया। ये तमाम 4,000 से ज्यादा हेल्प्स तो वो हैं जो कि हमने कम्यूटर्स की हैं, लेकिन अगर आप उनकी तादाद मुझसे पूछना चाहें कि जितने रोड रिपेयर्स या हमने जो सीवरेज के मसाइल में मदद की है तो वो अनगिनत है। हर जगह हमारा जो भी सिपाही इस टाइम पे खड़ा हुआ है, एक्चुअली वो उसके अंदर ये जज्बा आया हुआ है कि उसने कराची की आवाम की खदमत करनी है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची ट्रैफिक पुलिस के अंदर ये जो जज्बा है पहले से भी मौजूद था, लेकिन इन हालात में जबकि बड़े ये एक आजमाइशी किस्म के हालात से गुजरना पड़ रहा है आवाम को, तो जी उसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस का भी जज्बा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मिसाली है, और सब जो है
वो सेल्फ मोटिवेटेड हुए हुए हैं। बिल्कुल इस टाइम मुझे उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको खुद ये एहसास है कि हमने आवाम की मदद करनी है। चीमा साहब बिल्कुल आप ठीक करें, आप लाइन पर रहिएगा। और कुछ एहलकारों से हमारी टीम की बात भी हुई है, वो भी हम आप तक अपने नाजरीन तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो मोटिवेटेड हैं और हंगामी सूरत हाल ये पाकिस्तानी कौम की और ट्रैफिक पुलिस का खास तौर पर यह खासा है कि जब वो देखते हैं किसी को मुसीबत में तो उसकी मदद को आते हैं और यही आपको एक अच्छा अफसर भी बनाते हैं। हमारी टीम ने कोशिश की है इस पुलिस अहलकारों से बात करने की, आइए हम आपको सुना दें। देखिए बात यह है, बारिश से आए दिन रोडों में खड्डे हो गए हैं और ये गटर लाइनों के लिए खुदाई की थी, जो आज तक कोई मसाला 2-3 साल हो गए खुदाई करके गटर लाइनें डाल के चला गया इदारा, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा। जो आए दिन हम मट्टी डलवाते हैं, कोई डंपर रोकते हैं, उनसे बोलते हैं भाई जान इसमें 10-15-20 बेलचे उतरवा दो, वो उतरवाते हैं, उसको लेवल करते हैं, जब बारिश आती है तो वो पानी बारिश फिर ले जाता है, फिर खड्डे बन जाते हैं, फिर गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम रहता है, फिर हम कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं, पड़ोस में देखते हैं कोई बिल्डिंग टूटी हुई उसका क्रेश माल वो उठा के गाड़ी के ज़रिए ले आते हैं, डलवाते हैं, फिर देखते हैं बारिश बहुत ज़्यादा आ गई है, फिर मलबा निकल जाता है। अभी आपके सामने ये देखा है आपने नाल खुदा हुआ, बिल्कुल ये पूरी लाइन डाली हुई है, इसको 2-3 साल हो गए लेकिन कोई काम नहीं करा इदारे ने। हम लोग मट्टी डलवाते हैं, मलबा डलवाते हैं, क्रेश डलवाते हैं, जो मिल जाता है वो डलवाते हैं, और पानी जब ज़्यादा बारिश आती है वो पानी गाड़ियाँ फिर बहा के ले जाती हैं, फिर डलवाते हैं। सर मुश्किल तो हमें जब महसूस होती है जब हम आवाम की खिदमत नहीं कर पाते, मुश्किल हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी आसानियां करी हैं, पर जो इंसान है उसके अपने अमाल की वजह से उस पर परेशानियां नाजिल होती हैं। अब जो बारिश आ रही है आपके सामने, मैक्सिमम 2 मंथ हो चुके हैं लगातार जो बारिश आ रही है, इसमें हमारी जो ड्यूटी है वो भी माशाल्लाह से थोड़ी इजाफी हो जाती है। इसके अंदर ये होता है कि हमें मौका मिलता है आवाम की खिदमत करने का, जिस तरीके से किसी आवाम की गाड़ी ख़राब हो जाती है हम उसकी गाड़ी को भी सही करने की कोशिश करते हैं, उसको उसके टाइम पे पहले उसको घर भी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है ताकि उसको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। जितना हमसे बन बनता है हम इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ अल्लाह की वजह से हम ये काम कर पाते हैं, अल्लाह का लाख लाख करम है, और हमारी आगे भी यही कोशिश होगी कि हम आवाम को अपने काम से ज़्यादा मुतमईन कर सकें और आवाम की नज़र में जो पुलिस का हमारा मयार है वो हम अच्छे से अच्छा कर सकें, क्योंकि हम तकरीबन हमें 6 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, हमने देखा कि आवाम का पुलिस के लिए रवैया अच्छा नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि अल्लाह करे कि आवाम हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे और अच्छे कमेंट्स पास करें। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी ट्रैफिक पुलिस अहलकारों की, उनका जज्बा आपने सुना कि कैसे वो कह रहे हैं कि हमें मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब हम बेबस हो जाते हैं कि हम मदद नहीं कर सकते आम शहरियों की, और जब हम मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। चीमा साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, साथ ही साथ इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, शहर पूरे शहर में आपके पास क्या नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत वर्स्ट कंडीशन है, जहाँ पर टूट फूट का शिकार है? कुछ चीज़ें मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताई हैं हमारे नाजरन के लिए, ताकि शहरी से अवॉइड करें या उसका कोई मुतबादल रूट अपनाएं। जी चीमा साहब। जी जी, इसका अगर कि ये कहा जाए कि कराची में चंद एक ही सड़कें ऐसी होंगी इस टाइम पे कि जो पॉट होल्स के बगैर हों और जो सही सलामत हों, लेकिन बेशतर इलाकों में सड़कें मुतासिर हुई हुई हैं। अगर इलाकों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ज्यादा मुतासर हुई हैं सड़कें। इसके अलावा कुरंगी में हमारी 2 सड़कें ऐसी हैं जो कि मेन शाराएं हैं, एक कुरंगी क्रॉसिंग रोड कहा जाता है जी, वो कयूमाबाद को लांडी और कुरंगी से कनेक्ट करती है, और उसके अलावा एक ईबीएम जी जी तौर पर बंद है, और कुरंगी लांडी एरिए का जो रास्ता है बाकी शहर से वो सिर्फ इस वक्त एक सड़क पे मुनसर है, और उस सड़क पे जो ब्रिज है जाम सादिक ब्रिज वो भी टूट फूट का शिकार है। इस वजह से बहुत ज्यादा जो है कुरंगी के अंदर ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। इसी तरह से मलीर के अंदर भी एक कजाफी ब्रिज है, वो ब्रिज जो है उसका एक साइड टूट गया है। इसी तरह से नाजमाबाद का अंडर पास जो है उसमें पानी खड़ा हुआ है, और दीगर कई सड़कें जो हैं वो मुतासर हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये बारिश का सिलसिला खत्म होगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द इनके रिपेयर का काम करेगी और हम आवाम के लिए मजीद सहूलत मुहैया कर सकते। ठीक है जी, बस अब जाते जाते आवाम के लिए और इंतजामिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे हम इस प्लेटफॉर्म से? जी, आवाम के लिए सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे कि आवाम को
ट्रैफिक पुलिस के ऊपर एतमाद करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ अवाम की खदमत के लिए है। अगर अवाम हमसे हमारी जो हिदायात होती हैं, हमारी गाइडलाइंस होती हैं, अगर उनके ऊपर अमल करे तो वो कई जो ट्रैफिक जहां जिन एरियाज में ब्लॉक होता है उन रास्तों को अवॉइड करे, हमारे अमले के साथ तआवुन करे, तो वो अपना सफर बहुत आसान बना सकते हैं। हमारा गिला अवाम से यही होता है कि आप हमारी गाइडलाइन के ऊपर अगर चलेंगे तो आप कई जो जहां पे आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिलता है आप उन रास्तों को अवॉइड करेंगे तो आप आसानी से अपने घर को पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि अवाम अगर ट्रैफिक की तरफ से जो गाइडलाइन दी जाती है उसके ऊपर अमल करेंगे तो बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उससे वो बच सकते हैं। जनाब अमन नवाज चीमा साहब, DIG ट्रैफिक पुलिस कराची, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और नाज़रीन, अब चूँकि ट्रैफिक पुलिस बड़ी टफ जॉब होती है ये, और चीज़ें मैनेज करना और इसमें जो शहरी हैं उनका तआवुन भी दरकार होता है, और ख़ासतौर पर इस तरह की हंगामी हालात में कराची की हालत इस वक्त जिस तरह खुद DIG साहब बता रहे थे कि कुछ चंद ही सड़कें हैं जो सही सलामत हैं, बेशतर जो एरियाज़ हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। एहतियात करें, अपनी जानें बचाएं, अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कराची के हवाले से कराची का जो मुकदमा है वो हम आप तक पेश करते रहेंगे और आपकी आवाज़ हमेशा बनते रहेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।